हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर हम लोग कर रहे हैं नीट पीजी 2021 के कुछ सैम्पल टेस्ट पेपर्स विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन दिस यूट्यूब चैनल एडिट बाय एन अकेडमी। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव क्या है कि हम साइमल्टेनियसली एक ऐसा सेक्शन रखें जहां पर हम लोग पुराने कुछ सब्जेक्ट्स, पुराने कुछ टॉपिक सब्जेक्ट के जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वी कीप डूइंग देयर एमसीक्यूज, सो इट विल बी काइंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑल दोज टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड मेनी वीक्स और मेनी मंथ्स बैक, ताकि वो सारी चीज़ें हमारे जहन में फ्रेश होती रहें एंड देन वी कैन पिकअप सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड रिमेंबर देम फॉर आर अपकमिंग एग्जामिनेशन। So, before beginning on to this sample test paper number one, where we are going to discuss few questions around Indian legal system and post-mortem changes and death, first of all, I want to wish a very, very happy Diwali season to all of you और आपकी फैमिली को भी। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। ये साल जो है वो थोड़ा सा डल गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, बट इस तरीके के त्योहारों के मौके पर जो खुशी आती है वो पुरानी काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक हल्का कर देती है, एंड आई होप कि ऐसा ही रहे आपकी फैमिली में भी। ठीक है, तो हम ये सैम्पल टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, और उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू दो स्टूडेंट्स जो कि शायद ये सैम्पल टेस्ट पेपर के जरिए पहली बार ये वीडियो देखेंगे। माई नेम इज़ डॉक्टर सुमित तलेवार एंड आई एम एम डी इन फोरेंसिक मेडिसिन एंड एसोसिएटेड with this free YouTube channel with an academy in providing all the students the benefit that they need in the subject of forensic medicine by coaching them, mentoring them and tutoring them into the upcoming NEET PG entrance examination. अच्छा, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है जिसके लिए आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप, दी पोर्टल और द लिंक वुड बी livedaily.me/neetpg। यहाँ पर आप अपनी सजेशंस भी भेज सकते हो जो कि मैं टैकल कर सकता हूँ। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर ऑल दो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, आई एम ब्रिंगिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव अ लुक इन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो कि आपको प्रोवाइड करता है नीट पीजी की अनपैरल प्रिपरेशन जो कोई भी और प्रिपरेटरी ग्रुप आपको नहीं देता, विद लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में देर इज़ नो अपर कैप और लिमिटेशंस कि आप कितने घंटे की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। लाइव क्लासेस तो आपकी है ही हैं, अगर आप अपनी मिस कर देते हो लाइव क्लासेस, यू कैन गो बैक टू द रिकॉर्डेड सेक्शन एंड प्ले बैक इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। कोई अपर कैपिंग नहीं है जब तक सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, यू कैन गो टू लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस क्रिएटेड बाय योर एजुकेटर, और वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स लाइव क्रिएट कर सकते हो, लाइव क्लियर कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ में। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के। इट इज़ ट्रूली अ स्टूडेंट सेंट्रिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पर मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल हैं इवन फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, ताकि हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को कम्प्लीटली ग्रैस्प करने का मौका मिले। इट बिकम्स अ चॉइस ऑफ द स्टूडेंट कि किस तरीके का टॉपिक किस टीचर से वो समझना चाहता है, ताकि उसकी ग्रैस्पिंग बेस्ट हो। ओके, सो ऑल इन ऑल एन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेटर अनपैरल्ड काइंड ऑफ अप्रोच है जो आज तक किसी ने भी किसी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किया है। गो चेक इट आउट। और आप इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, बाय वॉचिंग स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्यूटली फ्री ऑन अन अकेडमी के पोर्टल पे। अन अकेडमी के पोर्टल पे जाकर के आपको वहां टैब दिखाई देगा स्पेशल क्लासेस का, उसको दबाइए। आप ऑनकमिंग स्पेशल क्लासेस, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो, और आप स्पेशल क्लासेस के लाइव मेंबर बन सकते हो, यानी कि आप स्पेशल क्लासेस को लाइव देख सकते हो, और ये देख सकते हो कि अन अकेडमी
किस तरीके से अपना प्लस सेक्शन कंडक्ट करता है, क्योंकि स्पेशल क्लासेस भी उसी पोर्टल पे कंडक्ट होती हैं जिस पे प्लस का डिलीवरी होता है। और आप पुरानी स्पेशल क्लासेस को भी देख सकते हो जिसके वीडियोस वहाँ पर हैं, टू मेक अप योर माइंड। अगर उसमें थोड़ा भी डाउट रह जाता है कि क्या मेरे लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सही रहेगा या नहीं रहेगा, एंड यू कैन क्लियर योर डाउट बिकॉज वंस यू वॉच स्पेशल क्लासेस, आई एम गोइंग टू श्योर, आई एम प्रीटी श्योर दैट आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा एंड यू वुड वॉन्ट टू गेट अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन। ऑल दो टू रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो बल्क सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने, 24 महीने या फिर बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि आप कमिट होना चाहते हो अपने गोल पे, आप टेस्ट एंड ट्राई नहीं करना चाहते, इसीलिए बल्क सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको अपने गोल पे कमिट करेगा और वहीं से आपकी जर्नी बिगिन हो जाएगी टुवर्ड्स रीचिंग आउट टू योर गोल। बल्क सब्सक्रिप्शन आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ता है बिकॉज इट कम्स ऑन अ सब्सिडाइज्ड ऑफर। और बल्क सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड विच इज शोन ऑन द स्क्रीन विच आई जस्ट हाईलाइटेड, विच इज DRSUMITLIVE। ये आपको दिलाता है 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आज का सैम्पल पेपर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जहां पर मैंने आपको कहा वी आर डिस्कसिंग सर्टन क्वेश्चंस अबाउट इंडियन लीगल सिस्टम एंड पोस्टमार्टम चेंजेस। सो लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज दैट इन केस ऑफ डेथ इन साइकैट्रिक हॉस्पिटल द इंक्वेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय, द ऑप्शंस आर पुलिस ऑफिसर और कोरोनर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट। द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट। एक्चुअली जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, इट इज जुडिशियल, CIAL, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, फटाफट से इसके ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट CRPC 176, विच इज पॉपुलरली नोन एज मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इन इंडिया, CRPC 173 मैंडेटरली 3 कंडीशंस में करी जाती है। द फर्स्ट वन इज डाउरी डेथ, द सेकेंड इज एग्ज्यूमेशन एंड द थर्ड इज कस्टोडियल डेथ्स। ओके, नाउ डाउरी डेथ और एग्ज्यूमेशन में जो इंक्वेस्ट कंडक्ट करी जाती है दैट इज कंडक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट। देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट्स हु आर एम्पावर्ड बाय द स्टेट टू कंडक्ट द इंक्वेस्ट इन दिस सिनारियो। दे आर DM और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SDM और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ओके, नाउ कस्टोडियल डेथ्स आर सपोज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, एंड व्हाट आर द सिनारियोज ऑफ कस्टोडियल डेथ, अगर इसके ऊपर हम नजर डालें, द सिनारियोज ऑफ कस्टोडियल डेथ आर, रिमेंबर वेन एवर अ डेथ हैपन्स इन द कस्टडी ऑफ स्टेट, सो द पर्सन विक्टिम एक्यूज्ड व्हाट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दैट, इफ द पर्सन डाइज वाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ स्टेट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज कस्टोडियल डेथ। सो दैट कैन हैपन व्हेन अ पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी और एन एक्यूज हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हैज बीन सेंट टू जेल
और प्रिजन. एंड वॉट इफ दिस एक्यूज्ड इज नॉट एन अडल्ट, ही इज अ जुवनाइल एंड ही हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय द जुवनाइल कोर्ट एंड हैज बीन सेंट टू बॉर्स्टल स्कूल एंड ऑफ कोर्स ए पेशेंट एडमिटेड एज इन पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल इफ ही डाइज देयर दी सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज कस्टोडियल डेथ बिकॉज इवन साइकेट्रिक पेशेंट्स आर अंडर दी गवर्नमेंटल प्रोटेक्शन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल. सो इफ एनी काइंड ऑफ डेथ हैपन्स देयर इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज कस्टोडियल डेथ बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ओके लेट्स प्रोग्रेस टू क्वेश्चन नंबर टू. ये वाली टिप्स याद रखिएगा जो भी हमने बात करी है. इंडियन लीगल सॉरी क्वेश्चन नंबर टू इज सुसाइडल नोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इज इट ओरल एविडेंस, इज इट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इज इट हियर से और इज इट सरकमस्टांशियल एविडेंस. सी सुसाइडल नोट बेसिकली इज अ नोट विच इज रिटन ऑन द पेपर बाय द पर्सन हु कमिटेड सुसाइड एंड द पर्सन हु हैज कमिटेड सुसाइड कैन नो मोर कम टू दी कोर्ट रूम एज अ विटनेस टू वाउच दैट इट वॉज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय हिम. सो इफ द सुसाइडल नोट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओके सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में हमें क्या जानना है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में हमें जानना है कि ये क्या होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट द क्रिएटर ऑफ विच इज ईदर डेड और इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू लॉ टू प्रूव द डॉक्यूमेंट. ओके सो द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज एक्सेप्टेड एज एविडेंस. उसको प्रूव करने के लिए ऑथर को कोर्ट में आकर के वर्बल एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज वॉट ए डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एज सच एज एविडेंस इन कोर्ट ऑथर नॉट रिक्वायर्ड और कैन नॉट कम टू प्रूव दी डॉक्यूमेंट ओरली. एंड वाई वुड दी ऑथर कैन नॉट कम टू प्रूव दी डॉक्यूमेंट ओरली. दी पर्सन मे नॉट बी एबल टू कम टू प्रूव दी डॉक्यूमेंट ओरली बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट वेयर द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन नॉट कम बिकॉज ही इज डेड आर सुसाइड नोट एंड मोर पॉपुलर डाइंग डेक्लरेशन. ओके तो डाइंग डेक्लरेशन भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ही कोर्टरूम में प्रेजेंट होगा. ओके ये भी टिप्स याद रखेंगे. ओके आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. सोमैटिक डेथ चेंजेस कैन बी चेक्ड बाय ऑल एक्सेप्ट. द ऑप्शंस आर विंस्लोस टेस्ट, फेदर्स टेस्ट, आईकार्ड टेस्ट और मैक इवंस टेस्ट. द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज मैक इवंस टेस्ट. सोमैटिक डेथ और उसके चेंजेस क्या होते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट
सोमैटिक डेथ विच इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्यूलर डेथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लिनिकल फॉर्म ऑफ डेथ. ओके, the changes which are seen in somatic death are immediate post-mortem changes. somatic death में हमको देखने के लिए मिलते हैं immediate post-mortem changes. और immediate post-mortem changes क्या होते हैं? immediate post-mortem changes are stoppage of circulation, stoppage of respiration with areflexia or loss of muscle reflexes. Hold on. Okay. Now, how can we check for स्टॉपेज ऑफ सर्क्यूलेशन? नाउ मॉडर्न डे में तो बहुत सारे गैजेट्स मौजूद हैं, बट इन अर्लियर टाइम्स दे यूज टू बी चेक बाय सिंपल बेड साइड मनूवर्स एंड देर वर थ्री टेस्ट इन बोथ द कैटेगरीज, दैट इज फॉर चेकिंग फॉर स्टॉपेज ऑफ सर्क्यूलेशन एंड चेकिंग फॉर स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन. द थ्री टेस्ट विच यूज टू बी फॉर चेकिंग ऑफ स्टॉपेज ऑफ सर्क्यूलेशन वर आई कार्ड टेस्ट, मैग्नस टेस्ट एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट. ओके, एंड थ्री टेस्ट विच वर यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन वर फेदर्स टेस्ट, मिरर्स टेस्ट एंड विंस्लोज टेस्ट. ओके, सो सोमैटिक डेथ को चेक करने वाले छह टेस्ट कौन से हैं? आई कार्ड टेस्ट, मैग्नस टेस्ट, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, फेदर्स टेस्ट, मिरर्स टेस्ट, विंस्लोस टेस्ट. मैक ईवान्स टेस्ट जो है वो एल्कोहलिक कोमा में किया जाता है एंड दस इट वॉज आर आंसर. ओके, लेट्स मूव एंड सी क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. एज यू कैन सी द क्वेश्चन विद दिस पिक्चर इज वेरी सिंपल. The question is the time since death in this case is it between 12 to 24 hours or is it between is it more than 24 hours or it is less than 6 hours or it is less than 1 hour. Now सबसे पहले इस question को answer करने के लिए हमें ये देखना होगा कि picture में कौन सा maneuver दिखाया गया है, और picture में जो maneuver दिखाया गया है इसे हम कहते हैं प्रेशर टेस्ट इन केसेस ऑफ पोस्ट मॉर्टम स्टेनिंग. ओके, नाउ व्हाट डू वी सी हियर इन दिस पिक्चर इज वन द पर्सन हैज गिवन अ प्रेशर बाय द इंडेक्स फिंगर which you can see right here in the circle. The discoloration of post-mortem staining
फ्रॉम दैट एरिया हैज कंप्लीटली गॉन. ओके, यू कैन सी दिस ऑल एरिया इज रेड बिकॉज ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग, वेयर एज द सेंटर वेयर द पोस्टमार्टम स्टेनिंग हैज द प्रेशर हैज बीन गिवन, दैट रेडनेस ऑफ द कलेक्टेड ब्लड हैज गॉन फ्रॉम दैट एरिया, विच मीन्स द ब्लड विच हैज कलेक्टेड देयर अपॉन गिविंग द प्रेशर हैज डिस्प्लेस्ड और द एरिया हैज ब्लेंच्ड ऑफ. ओके, नाउ वॉट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड एज? सो वेन वी टॉक अबाउट पोस्टमार्टम स्टेनिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिना दैट हैपन्स विथ पोस्टमार्टम स्टेनिंग, दैट इज कॉल्ड एज फिक्सेशन. ओके, वॉट इज फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग? दैट इफ द बॉडी रिमेन्स इन वन पर्टिकुलर पोजिशन आफ्टर डेथ फॉर मोर देन 6 आवर्स, वॉट एवर पोस्टमार्टम स्टेनिंग दैट हैज डेवलप्ड ऑन इट्स डिपेंडेंट एरिया, इट स्टार्ट्स टू फिक्स टू दैट एरिया. वॉट डज फिक्सिंग मीन्स? दैट इफ यू विल अप्लाई प्रेशर टू दैट एरिया वेयर द पोस्टमार्टम स्टेनिंग हैज सेटल्ड, द डिसकलरेशन विल नॉट गो अवे. नाउ फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज नॉट एन ऑल और नन फिनोमिना दैट वंस 6 आवर्स हैज हैपेंड सडनली एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड. इट स्टार्ट्स टू बी फिक्स्ड एट 6 आवर्स एंड इट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन फिक्सिंग मोर एंड मोर इन दैट एरिया फॉर अनादर 6 आवर्स. सो बिफोर 6 आवर्स इट इज नॉट फिक्स्ड, 6 to 12 आवर्स इट इज फिक्सिंग ऑल द टाइम, सो इट इज पार्शली फिक्स्ड पार्शली नॉट फिक्स्ड, एंड मोर देन 12 आवर्स इट इज कंप्लीटली फिक्स्ड. सो इफ यू सी दीज 3 टाइम जोन्स, द फर्स्ट बींग 0 to 6 आवर्स, द सेकेंड बींग 6 to 12 आवर्स एंड द थर्ड बींग ग्रेटर देन 12 आवर्स. इन रिस्पेक्ट टू पोस्टमार्टम स्टेनिंग वॉट वी सी इन 0 to 6 आवर्स देर इज नो फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग. सो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर टू दैट एरिया देर विल बी कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग फ्रॉम दैट एरिया बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल. सो वेन यू अप्लाई प्रेशर द डिसकलरेशन शिफ्ट कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटली शिफ्टिंग. सो फिक्सिंग एंड शिफ्टिंग आर कॉम्प्लीमेंटरी फिनोमिना. 6 to 12 आवर्स देर इज पार्शियल फिक्सिंग, सो देर इज गोइंग टू बी पार्शियल शिफ्टिंग. ओके, एंड देन ग्रेटर देन 12 आवर्स बिकॉज देर इज गोइंग टू बी कंप्लीट फिक्सिंग, thus there will be no shifting of postmortem staining seen. So if we come back to our question, what did we see in the question? That as the pressure was given to that area, the discoloration from the area where the pressure was being applied has gone completely, which means that there was no fixing in that area that has happened till now, and which means the correct answer is less than 6 hours because the postmortem staining has displaced or shifted from that area completely. Okay, one more question around postmortem change. Let's see this question. So this question says, again a picture based question. This question says the condition shown in the picture is a result of. So before answering this question, we need to be able to correctly diagnose or recognize the condition. The condition, first of all, is called as marbling. Okay, it is a post-mortem change that is seen in dead bodies between 36 to 48 hours after death.
एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन टू सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन। लेट्स सी कि मार्बलिंग में होता क्या है और किस तरीके से ये इस तरीके से दिखाई देती है, जिस तरीके से हमें वहां पर ग्रीन या वॉयलेट कलर की लाइंस दिख रही थी बॉडी पर। टू अंडरस्टैंड दैट, कंसिडर दिस टू बी अ वेसल ऑफ अ बॉडी एंड कंसिडर दिस वेसल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन एंड दिस वेसल नाउ इज बींग इन्वेडेड ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम टाइम पीरियड बाय बैक्टीरियाज, बिकॉज बैक्टीरियाज आर प्रोलिफरेटिंग इन टू द बॉडी एंड दे आर डिकम्पोजिंग दी ऑर्गेनिक मैटर। सो वाइल बैक्टीरिया इन्वेड द वेसल डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच इज दी गैस ऑफ ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। दिस गैस रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन टू फाइंड सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन। नाउ दिस सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन इज वायलेट इन कलर। नाउ बाय द टाइम दिस फिनोमेना हैपन्स द पर्सन हैज बीन डेड फॉर क्वाइट सम आवर्स एंड ड्यू टू दैट the endothelial cells in the vessels are also becoming loose, so they are becoming leaky. So this violet color fluid, which is being now formed inside the vessel, starts to leak out of these endothelial gaps. And when this fluid comes out through the endothelial gaps, hold on. When this fluid comes out through the endothelial gaps into the exterior of the vessel, they stain the exterior of the vessel with violet color because now the color of the fluid has become violet. And thus, when this phenomena happens in lot more and more and more of vessels, there are violet or green emerald color of lines which are being seen developing on the skin, which is called as marbling. So if we come back to our picture, what we see are these violet color of lines which are developing on the skin. As you can see in the vascular territory, they are the markings of reduced sulfmethemoglobin of the exterior of the vessel. The concept is called as marbling. Okay, let's take up one more question. This question is, a dead body is recovered for autopsy. Sorry, dead body is received for autopsy. It has shiny white appearance, greasy to touch, and sweet odor. The correct statement is option number A, the body was lying in hot and dry climate. Option number B, the body was lying in normal climate. Option number C, it is because of carbon monoxide poisoning. Or option number D, it is due to hydrogenation of body fat. See, to answer this question, first of all, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी की हमारे को अपीरेंस दी हुई है, वो अपीरेंस को हम सबसे पहले बोलते क्या है। सो द की फीचर्स टू लुक एट इन द क्वेश्चन आर, द बॉडी हैज शाइनी वाइट अपीरियंस, ग्रीजी टू टच एंड हैज अ स्वीट ओडर। दीज आर फीचर्स ऑफ एडिपोसियर, ऑल्सो कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। ओके, नाउ इफ वी रिकॉल आर नॉलेज अबाउट एडिपोसियर फॉर्मेशन, व्हाट हैपन्स इन एडिपोसियर फॉर्मेशन इज दैट इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ यूजुअल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ यूजुअल प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफैक्शन इन हॉट एंड
क्लाइमेट एंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बैक्टीरियाज दे हाइड्रोलाइज बॉडी फैट टू फैटी एसिड्स. दीज फैटी एसिड्स दे कंबाइन विद आयन्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी टू फॉर्म सोप्स एंड दैट इज वाई द अपीयरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन. वेन द एडिपोसियर इज फ्रेश इट इज वेट ग्रीजी इनफ्लमेबल एंड हैज स्वीटिश ओडर. दिस अपीयरेंस ऑफ एडिपोसियर इज कॉल्ड एज रैंसिड बटर अपीयरेंस. ओके इट इज कॉल्ड एज रैंसिड बटर अपीयरेंस. एंड व्हेन द एडिपोसियर बिकम्स ओल्ड इट बिकम्स ड्राई हार्ड एंड ब्रिटल. ओके सो ये चीजें हम याद रखेंगे कि फ्रेश एडिपोसियर कैसा दिखता है और ओल्ड एडिपोसियर कैसा दिखता है. सो इफ यू कम बैक टू आवर क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट अ बॉडी हैज बीन रिसीव फॉर ऑटोप्सी और उसमें फ्रेश एडिपोसियर का अपीयरेंस दिखाया हुआ है बताया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा. इट इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ बॉडी फैट. ओके टू फॉर्म सोपी स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी. ओके सो आज हमने इस सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए. अगर आपको ये सीरीज पसंद आई मगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं डू नॉट फॉरगेट टू कैच मी एट टेलीग्राम ऐप. द लिंक वुड बी livedaily.me/neetpg एंड आई कैन टैकल योर क्वेरीज. ऑल्सो रिमेंबर एन अकेडमी का नीट पीजी सब्सक्रिप्शन विच कम्स एज प्लस सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन दैट यू हैव फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन इन द मार्केट. मैंने उसके काफ़ी बेनिफिट्स आपको शुरू में भी बताए थे. मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये सब्सक्रिप्शन इज द ट्रूली स्टूडेंट सेंट्रिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पर स्टूडेंट इज नॉट बाउंड बाय अ सिंगल टीचर. मल्टीपल टीचर्स आर अवेलेबल फॉर सिंगल सब्जेक्ट और स्टूडेंट की चॉइस है कि उसे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी टीचर से ज़्यादा बेटर समझ में आता है तो वो उस टॉपिक के लिए उस टीचर की क्लासेस को अटेंड कर सकता है विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. ओके उसके सिवाय लाइव क्लासेस हैं. लाइव क्लासेस में कोई अपर कैपिंग नहीं है. यू कैन वॉच द लेक्चर्स इन लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड एज नंबर मैनी नंबर ऑफ आवर्स एज यू वॉन्ट. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं ताकि आपको अपने डाउट में भी कोई वेट करने की जरूरत ना पड़े. ओके फटाफट से जाइए. फ्री क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं विच आर कॉल्ड एज स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्युटली फ्री ऑन अन अकेडमी पोर्टल. वहां जाकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से कंडक्ट होता है अन अकेडमी का क्लासरूम. फटाफट जाकर के स्पेशल क्लासेस देखो और अपने आने वाली प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना है. किस तरीके से यू नीड टू डाउनलोड अन अकेडमी ऐप ऑन योर फोन और यू नीड टू बिल्ड अ लॉगिन प्रोफाइल एट अन अकेडमी साइट. बोथ विल वर्क. वंस यू हैव डन ईदर ऑफ बोथ सिंपली गो टू मैनेज गोल्स एंड सिलेक्ट योर गोल विच इज नीट पीजी. After that, select plus and then get subscription. As simple as that. Subscription लेते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप subscription लें तो bulk subscription लीजिएगा. Although आपके पास offer होगा कि आप एक महीना दो महीने का subscription भी ले सकते हो but why do you want to try?
बल्क सब्सक्रिप्शन आपको कमिट करेगा अपने गोल की तरफ। बल्क सब्सक्रिप्शन आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। और ये सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा दो चीजों का, बहुत ही इंपॉर्टेंटली। मेरा रेफरल कोड है DRSUMITLIVE। ये रेफरल कोड यूज करने पे आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर बल्क सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। हम और भी ऐसी कुछ क्लासेस लेके आएंगे एज सैम्पल पेपर्स, जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके नीट पीजी के क्रैकिंग के लिए। टिल देन, जब तक नया वाला क्लास नहीं आ रहा आपके पास, इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास विल बी अपडेटेड प्रीटी शून। आई विल बी विद यू टू डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम फ्यू मोर टॉपिक्स फ्रॉम दी सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत जाइए, द पैंडेमिक इज स्टिल ऑन। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बाय बाय।